सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, इस बार के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे साथ नितेश और नीलेश, IBPS CFO 2024 में इनका सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी प्यारे हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, और इनको बुलाने का मेन मकसद यही है, जो आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं उसमें आपका समय कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ और फाइनल सिलेक्शन तक जा पाएँ। ठीक है, तो इनके एक्सपीरियंस जो हैं काफ़ी मायने रखेंगे आपके, जो इनकी गलतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे ये टाइम मैनेज अपना करते थे एग्ज़ाम के दौरान और पढ़ाई के दौरान, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नितेश के साथ हमने इंटरव्यू ले रखा है ऑलरेडी, आप जाकर फुल इंटरव्यू देख सकते हैं। और नीलेश जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने एक UG अपना BSc एग्रीकल्चर में प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, उसके बाद PG अपना CSA से किया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से। इनका जो मेंस का स्कोर था 42.75, और इन्होंने अपना 4th अटैम्प्ट में ये सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और ये अभी इनकी पोस्टिंग है PNB में, उत्तराखंड में, और जो कि बहुत ही शानदार जगह है। इनके आप अगर इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे तो इनके रील्स अगर आपने देखे होंगे, काफ़ी बहुत अच्छी जगह पर ये पोस्टिंग अभी है। तो नितेश के बारे में तो सभी जानते हैं, वो काफ़ी फेमस हैं सोशल मीडिया पर। तो मेन हम मुद्दे पर आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखिए बारी बारी से हम बात करेंगे। देखिए, सबका प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, और सभी मतलब सेम जर्नी से नहीं गुजरते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। तो सबसे पहले जो जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक जैसे आता है तो दिल की धड़कनें थोड़ी भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट होता है थोड़ा सा कम डर लगता है, लेकिन जो सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट देते हैं उनको मन में रहता है कि भाई इस बार नहीं होता क्या होगा। तो आप लोगों से बारी बारी से जानना चाहेंगे कि भाई जो 3 महीने आपके बचे थे उसमें आपने क्या मतलब कि मैक्सिमम मेजर चीज़ें आपने की, क्या क्या आपके शेड्यूल रहते थे, कैसे आपने पढ़ाई किया। सबसे पहले नितेश आप बताना चाहेंगे। अभी तो 3 महीने हैं, तो 3 महीने में यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे, जो एकदम ही कुछ प्री परे नहीं होंगे, जिनका प्री का प्रिपरेशन पहले से ही होगा, क्योंकि मैं पहले प्री पे रहता हूँ, बिकॉज इस साल वैकेंसी बहुत कम है, प्री बहुत मेजर रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में। तो जिन्होंने प्री का अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, टू बी ऑनेस्ट उनके लिए दिक्कत है अभी, क्योंकि उन्होंने पूरा साल प्री नहीं पढ़ा। तो अभी क्या कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ मॉक देंगे अच्छा से दिन में, जहां पर पहले 2-3 घंटे प्री पढ़ते थे अभी पूरा दिन ही प्री पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक से प्री को देना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो वो अच्छा से अभी अपना प्री का करे, अपना मैथ रीजनिंग इंग्लिश में तो डेली रीडिंग करे 2 घंटा करके, और मॉक्स लगाए डेली, एक PO लेवल का मॉक लगा, FO लेवल का मॉक लगा, डेली मॉक तो मस्ट है, बिना मॉक के एक दिन ना जाना चाहिए। और रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में डेली 10 पजल बना ले खुद, और रीजनिंग का भी मॉक्स जो कुछ मॉक्स है जो सबमिट करके, प्रीवियस ईयर वाले जितने मॉक्स है उसको सबमिट करके सॉल्व करे, करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों का प्रिपरेशन पहले से है उन लोग सिर्फ मॉक्स पे फोकस करें, और जहाँ जहाँ जिनका एनालिसिस में कमी आ रहा है उस जगह पे थोड़ा फोकस करें तो उनका हो जाएगा। इस बार आई थिंक 45 से ऊपर ही लाना चाहिए सबको मॉक में, क्योंकि इस बार कट ऑफ तो जो वेरिएशन हो रहा है आई थिंक 40 के करीब कट ऑफ जा भी सकता है, इसमें बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा 40 के करीब जाएगा, तो आई थिंक 45 प्लस कम से कम आने चाहिए सबके। और मेंस का तो नीलेश भाई अच्छे से बता सकेंगे, वो तो मेंस के स्पेशलिस्ट हो गए, लेकिन हाँ प्री का मैं इतना ही बता सकता हूँ, अभी 3 महीने है, 3 महीने में पूरा दिन उनको मतलब कम से कम मैक्सिमम टाइम उनको प्री में अभी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिनका बहुत ही कम प्रिपरेशन है प्री का, जिनका सफिशियंट है वो दिन में 5 घंटे मेंस पढ़ ले, सुबह उठ के 5 बजे से उठ के 10 बजे 11 बजे तक मेंस पढ़ ले, उसके बाद पूरा दिन मॉक लगा एनालिसिस करे, जहां जहां आपका एनालिसिस में मेन आपका कमियां निकलता है, जहां कमियां निकलेगा उस पर काम करिए। जो सब्जेक्ट जैसे किसी का ब्लड रिलेशन में कमी आ रहा है तो ब्लड रिलेशन का 2-3 अगर क्लास लगा लेगा ठीक ठाक मैराथन क्लासेस तो उसका वो कमी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। सो ऐसे ही करना चाहिए, इसी यही फैक्ट है अभी। नीलेश कुछ मेंस के बारे में कुछ बताइए आप। तो सर जैसे कि यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, AFO में बहुत सारे आपको ऐसे कैंडिडेट दिखेंगे जो कि रिपीटर्स हैं, हर बार जो है उनके प्रीलिम्स तो हो जाते हैं लेकिन मेंस में एक नंबर कम रह जाते हैं और वो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं भी उसी में से एक था कि मेरा प्रीलिम्स तो हर बार हो जाता था और मेंस भी हो जाता था लेकिन वो मार्जिन नहीं बन पाता था जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेंस को क्वालिफाई करने के बाद भी आपको 4-6-10 नंबर ऊपर लाने पड़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स तो एक क्राइटेरिया है जो कि क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में बैठने को मौका मिलता है, बाकी सारा खेल तो यहाँ पे मेंस में होने वाला है।
और वहीं पे सिलेक्शन और रिजेक्शन जो है वो डिसाइड भी होता है। तो मेरा भी ऐसे ही होता था हर बार। तो बाकी देखो एक चीज और भी है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो मस्ट है। पहली बात तो आप अपना सोर्स डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे सोर्स जो है सारे अच्छे होते हैं, कुछ में थोड़ी चीजें कुछ में अच्छी हैं, कुछ में थोड़ी चीजें दूसरी दी गई हैं। तो अब बाकी जो अपनी बेसिक बुक्स हैं वो तो पढ़ना मस्ट ही है, क्योंकि बिना उसके पढ़े जो है कहीं ना कहीं आप वो स्कोर नहीं कर पाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि आप, और ये भी आप जान लीजिए कि बेसिक बुक्स के बल पे ही नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको किसी ना किसी कोचिंग का मटेरियल लेना ही पड़ेगा। आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बिना आप सब कुछ पढ़े नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ में एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया आपका तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो आपको जो है कहीं से भी कोई मौका छोड़ना नहीं है कि गलत हो जाए। और इस चीज को, आप गलतियों को सुधारने के लिए सबसे मेन है कि आप प्रैक्टिस खूब करिए, और अपना सोर्स जो है वो उस पे भरोसा होना चाहिए कि जिस सोर्स से मैं पढ़ रहा हूँ वो सोर्स बहुत अच्छा है और इसी से क्वेश्चन आने हैं। देखो आईबीपीएस का क्या होता है कि कोई भी जो है सिलेबस इसका डिसाइड नहीं है मेंस के लिए कि ये सिलेबस है भैया ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अपने तरफ से सब कुछ पढ़ना है, और बाकी चीजें जो है वहां पे डिसाइड होंगी जब आपका 45 मिनट जब एग्जाम होगा, तो वहां पे डिसाइड होंगी कि आपका वहां पे पढ़ा हुआ आया है कि जो अदर कहीं से आया है। और वहां पे ही जैसे क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ तो जो है यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वही चीज आपके कंपिटिटिव भी पढ़ रहे हैं, कंपिटिटर्स भी पढ़ रहे हैं। और लोग देखो एक चीज हमसे बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर कितना स्कोर करना सही होगा। देखो ये चीजें बताना एकदम भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि कितना स्कोर सही हुआ, क्योंकि वो तो एग्जाम के डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कहाँ से आए। कभी कभी 30 स्कोर भी जो है एनफ हो जाता है सिलेक्शन के लिए, और कभी कभी 50 स्कोर में भी जो है आप रिजर्व में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो इस चीज को जो है वो पेपर की डिफिकल्टी वहां पे 45 मिनट में ही पता चलती है। आपको अपनी तैयारी को जो है उस हिसाब से रखना है कि जो भी आए। देखो क्या होता है कि हमें यहाँ ये कंपटीशन है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इतना नंबर आप ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लोगों से आगे जाना है जो आपके कंपटीटर्स हैं, और कंपटीटर्स ऐसा है कि जो जो जिस जगह से वो लोग पढ़ रहे हैं वहीं से आप भी पढ़ो, वही चीज आप भी पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस उसी में क्या होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मेरा 2 बार सिलेक्शन रुका, तो वहां पे मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गए थे, जो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यार ये तो बहुत ईजी था, ये गलत कैसे हो गया। और आईबीपीएस का कोई आंसर की नहीं आती, वहां पे आप जब क्वेश्चन को रीड करते हैं और जब ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं तभी पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन मैं सही लगा के आया हूँ। और जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो है ये तो मेरा इतना बना, और आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते कि सर मेरा स्कोर इतना कम कैसे हो गया, मैं तो सही लगा के आया था। हाँ ये सारी चीजें बहुत मतलब कि आईबीपीएस को यूनिक बनाती हैं ये चीजें, जिसमें आपको ना कोई आंसर की मिलेगी। तो आपको जो है उस 45 मिनट पे भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस करना है। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं विमल भाई कि जो कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उस दिन उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है एग्जाम के टाइम पे, सही और उस परफॉर्मेंस की वजह से उनके स्कोर कम आ जाते हैं मेंस में। तो वो चीजें जो है कहाँ से, ये देखो ये तो प्रॉब्लम है, दिक्कत ये दूर कैसे होगी, ये केवल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही दूर होगी, और कोई इसका दूसरा जो है सॉल्यूशन नहीं है। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से आप मॉक में इम्प्रूवमेंट करेंगे, सही उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ग्रेट ये होता है। ओके ग्रेट थैंक यू। देखो नितेश के मेन फोकस है नितेश का कि प्री के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आप दोनों से जानना चाहेंगे जो आपने सेकेंड अटेम्प्ट भी लॉस किया हुआ है, अपना सेकेंड अटेम्प्ट में भी रह गया था, तो वही गलतियां जानना चाहेंगे आप दोनों से कि भाई क्या मेजर आपके मिस्टेक्स रहे थे, क्योंकि वही बच्चे सीखेंगे वही गलतियां अगर सुधारेंगे जो कोई तो फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि ये मैंने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी थी इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। नितेश आप कुछ पहले। मेन जो मेंस का बात करो और प्री का, प्री प्री तो मेरा हर बार ही निकल जाता था, प्री का कोई टेंशन नहीं था, ठीक है।
लेकिन बट मेंस में मेरे क्या होता है, सेकंड अटेम्प्ट में मैं कोचिंग मटेरियल में ज्यादा फोकस नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में मैं सिर्फ बुक्स वगैरह पढ़ता था, और मैं थोड़ा ज्यादा खुद ही कंफ्यूज था, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये मटेरियल करूँ वो मटेरियल करूँ, इस चक्कर में कुछ नहीं होता, खिचड़ी बन जाता है उनका। मैं भी यही कंफ्यूज था सेकंड अटेम्प्ट में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लास्ट में किया लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स कम रह गया। तो यही है, आपको नीलेश जैसे बोला, आपको एक मटेरियल चूज करना चाहिए, हाँ उस पर 100% बिलीव करना चाहिए, हाँ मेरा होगा। वो मटेरियल कुछ भी हो, जैसे आपका नोट्स हो, कोई भी मटेरियल का नोट्स, लेकिन उस जो लिया बस ले लिया, अब नहीं सोचना, अब उसको पढ़ो। साथ में हाँ, साथ में आपको तो वो भी करना चाहिए, सुंदा कात्यायन, ये सब कोर बुक्स है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सुंदा कात्यायन के बिना आपका वो होने वाला मुश्किल है, क्योंकि वो बुक आपको बहुत हेल्प करेंगे मेनली कोर सब्जेक्ट्स में। और सेकंड थर्डली, और जिनका प्री वीक है, जैसे मेरा तो प्री ठीक था, तो मेरा प्री निकल सकता। बहुत लोगों को ऐसे है जिनका 2-3 बार में प्री ही नहीं निकलता, बहुत लोग है सही। ऐसे, उनका प्री रुक जाता है, हर बार प्री रुकता है। तो एफओ ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर जिसका अच्छा उसी का एफओ निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बड़े बड़े एग्रीकल्चर का जो जो 30 मार्क होते हैं वो भी रुक जाते हैं प्री में। वो सिर्फ टेलीग्राम में आप देखते होंगे, बहुत मतलब ज्ञान देते हैं, बहुत लोग ऐसे ज्ञान देते हैं, ये एग्रीकल्चर वो है, लेकिन सबका प्री प्री रुक जाता है, और सब फिर भाग जाते हैं, कोई दिखाई भी नहीं देता फिर। तो वही आपको एफओ इसका ही निकलता है जिसका दोनों में बैलेंस बना रहे, जिसका दोनों में प्री और मेंस, जिसका मैथ रीजनिंग भी सफिशियंट हो, डिसेंट हो, एग्रीकल्चर भी जिसका ठीक अच्छा हो, लगभग एकदम, मतलब वो नहीं एकदम, मतलब उससे आगे कोई नहीं, ठीक ठाक एग्रीकल्चर नॉलेज होने से एफओ निकल जाएगा, वैसे कुछ वो जरूरत नहीं। तो वही करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का गलती था, मैं ज्यादा प्री फोकस था, इसलिए मेरा मेंस वीक हो गया था। मैं मेंस में मैं ज्यादा जनरल बैंकिंग पे मैं ज्यादा झुक गया था 2022 में, मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था। तो मैं ना इस घाट करा ना उस घाट करा, ना मेरा एफओ निकला ना मेरा जनरल बैंकिंग का। हाँ मेंस मैंने बहुत सारे दिए लेकिन मेरा निकला नहीं। तो इसलिए दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए, ऐसा नहीं मेरे को यही करना है, ऐसा नहीं मेरे को वही करना है। दोनों में अगर जिसका बैलेंस सही बन गया उसका एफओ निकलने का चांस 90% से भी ऊपर है। यही आपको गलती नहीं करना, दोनों में बैलेंस बना के रखना। ओके, नीलेश आपकी कुछ गलतियां? सर, गलतियां तो जैसे कि मेंस में ही मेरी प्रॉब्लम आती थी हमेशा। मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट हमेशा ये था कि मैं कभी प्री के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि प्री इतना करना है। अच्छा, प्री में एक चीज देखना बहुत जरूरी है, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर कितना स्कोर कर ले तो सही रहेगा प्रीलिम्स में। मैं कहता हूँ हर सबको, मैं यही रिप्लाई करता हूँ कि आप जब मॉक टेस्ट देते हो प्रीलिम्स का, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो जो जनरल बैंकिंग के मॉक कराते हैं, उनके जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप वहां पे परसेंटाइल देखा करो कि मेरी इतनी परसेंटाइल अगर बन रही, क्योंकि कभी कभी 30 नंबर पे भी परसेंटाइल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और कभी कभी जैसे वो तो एग्जाम के मतलब मॉक टेस्ट के जो है लेवल पे डिपेंड करता है, वहां से आपकी परसेंटाइल बनती है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 80-85% परसेंटाइल प्लस आ रही है उस मॉक में, तो आप ये एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। और सारे ये आप एक्यूरेसी, अच्छा, टोटल प्रीलिम्स की बात कर, हाँ, ओके जैसे ओके, प्रीलिम्स में बच्चों को डाउट रहता है कि सर कितना स्कोर कर ले तो मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आज एएफओ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे प्रीलिम्स में रह जाते हैं, और वो सबसे बड़ी जो है वहां पे कंपटीशन भी कम होता है कुछ मेंस का, कि मतलब क्योंकि उससे जो है, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर प्रीलिम्स का ऐसा पैटर्न ना होता, सेक्शनल ना होते, ओवरऑल ना होते, तो मेंस में बहुत हाई कंपटीशन रहता और फिर वहां पे बहुत मुश्किल होती बच्चों के लिए। सही। लेकिन प्रीलिम्स एक इलिमिनेटिंग राउंड है जहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे छट जाते हैं और बहुत कमजोर बच्चे अंदर चले जाते हैं जिनका मेंस कमजोर रहता है, तो वहां से एक डिसाइडिंग फैक्टर तय होता है। तो यहाँ पे आपको जो है जिनको आपकी सिलेक्शन लेना है दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो खेल है आपको का। इंटरव्यू केवल 5% वेटेज है, इंटरव्यू कुछ नहीं है। सही। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करो और मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर करो, आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं है कि वैकेंसी 300 है, 500 है या 700 है। आप 1500 में भी अगर आप स्ट्रेटजी गड़बड़ है तो नहीं हो नहीं पाएगा, हो क्योंकि पाएगा। आप जानो कि 2 नंबर पे कंसंट्रेशन कितना ज्यादा रहता है। जब आप फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट देखोगे तो 0.40, 0.30, 0.10 में बहुत कंसंट्रेशन रहता है, तो वहां पे वैकेंसी नहीं मायने रखती ना। सही। आप एक वो स्कोर करिए जहां पे एवरेज बच्चे उनसे ऊपर थोड़ा सा हो जाए, ये बस। तो प्रीलिम्स का जब भी मॉक टेस्ट देना तो वहां पे आप परसेंटाइल देखना कि आप 80-85% प्लस ला रहे हैं, और बाकी आपके सारे सेक्शनल जो हैं वो निकल रहे हैं। सेक्शनल जो हैं, सेक्शनल मतलब मेंटेन है, क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, और बाकी
तो ये चीजें देखने वाली हैं। और मॉक टेस्ट जैसे जो जनरल बैंकिंग के मॉक टेस्ट कराते हैं, जैसे कि टेस्ट बुक हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, ये सारे मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं, इनके मॉक आप दे सकते हैं। और बस वहां पे परसेंटाइल देखिए अपना, एक्यूरेसी देखिए, यही चीजें मैटर करती हैं। स्कोर मत देखिए कि मेरा 50+ नहीं बन रहा है, मेरे बहुत कम है, क्योंकि वो तो एग्जाम के डिपेंड, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा। जब एग्जाम होगा तो ये है। और मेंस के लिए, सबसे मेंस के लिए जो मेरी गलतियां रहती थी, क्योंकि मैं पढ़ता तो बहुत था, मैं सारी किताबें पढ़ लेता था, मैं ये सोर्स ले लिया। आप अगर देखोगे तो मेरे पास हर कोचिंग के नोट्स थे, हर कोचिंग का मेरे पास मटेरियल था, लेकिन वही मेरे से गलती होती थी, मेरी गलतियां वही होती थी कि मैं पढ़ता बहुत था लेकिन मॉक टेस्ट देता था तो उसके सही से एनालिसिस नहीं करता था, लेटे लेटे मैं मॉक टेस्ट दे दिया, कभी सोते हुए मॉक टेस्ट दे दिया। तो ये चीजें जो है ना एग्जाम में बनी रहती है, ये हैबिट बन जाती है इंसान के। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना यही चीज इम्प्रूव किया। मेरे दोस्त ने फिर मुझे बताया कि नीलेश, मॉक टेस्ट जब दिया करो तो एकदम रियल एग्जाम की तरह दिया करो, एकदम पूरा प्रॉपर बैठ के, प्रॉपर जैसे रियल एग्जाम होता है वहां पे आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या एक्यूरेसी बन रही है, ये चीजें को ध्यान देना है। तो मैंने ये चीजें आपकी बार इम्प्रूव करी अपनी, कि मुझे पढ़ने के बाद जो मॉक टेस्ट देना है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से देना है और प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है। ज्यादा मॉक नहीं देने हैं लेकिन जो भी देने हैं ढंग से देने। तो ये चीजें मेरे मेरे एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट लाई और एग्जाम में बहुत हेल्प करी ये चीजें, कि मॉक की प्रैक्टिस ढंग से करनी है। ओके ग्रेट। और डिफरेंट सोर्सेस पे ना जाके अगर आप एक सोर्सेस पे स्टिक रहेंगे तो वो ज्यादा वेल रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना विमल भाई, कि कभी कभी जो है एग्जाम में जो मैंने नहीं पढ़ा है वो भी मैं सही करके चला आता हूँ और पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब कि लोगों के साथ ये होता है कि मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है वो आप किसी सोर्स में नहीं पाओगे लेकिन वो सही हो जाएगा, इजिली सही हो जाएगा एग्जाम में, ऐसा ही होता है। सही। तो आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं। तो अभी ये तो बात हो गई आपकी गलतियों के बारे में, तो अभी जो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं पढ़ने हैं मेंस में, तो अभी बताइए कि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, किस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कीम्स ही पढ़ना शुरू कर देते हैं अभी के टाइम पे, और माइनर जो सब्जेक्ट हैं, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिनको लगते हैं, किस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए आप दोनों जन। नितेश आप बता दो। नितेश भाई पहले आप बताओ फिर आप बोलते हैं। एलाइड मेन दिक्कत करता है, एलाइड जो माइनर सब्जेक्ट है वो मेन दिक्कत करा देता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरी हो, इसमें हम लोगों का नॉलेज कम होता है क्योंकि हम लोग प्योर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हम लोग प्योर जनरल एग्रीकल्चर है, हम लोग ज्यादा पढ़े नहीं होते ये सब सब्जेक्ट, तो हमारा ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से इस जगह में दिक्कत होता है, बहुत लोग एलाइड को छोड़ भी देते हैं। और एग्रोनॉमी का क्या, सॉइल का क्या है, इनमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, हाँ अगर इनमें कॉन्सेप्ट का कमी हो जाए एग्रोनॉमी सॉइल में तब जाके वहां दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले होता है क्योंकि कोर में कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट का ही बात करता है, एग्रोनॉमी रट्टा मार के नहीं होने वाला। सही। इसको थोड़ा बहुत आपका नॉलेज सही होना चाहिए, आप दिमाग लगा सको, एग्जाम हॉल में आपको दिमाग से भी खेलना पड़ता है, बहुत ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन ये सब चीजें भी बहुत होता है यहाँ, जिसके जिसका पास कॉन्सेप्ट है वही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, चारों ऑप्शन में से हटा देना, ठीक है। और जहां मैं एलाइड की बात करता हूँ, एलाइड में कोई एक सोर्स का आपको होना चाहिए, वो आपका एलाइड में पढ़ना चाहिए। हाँ बिना एलाइड का एफओ तो सिलेक्शन होने नहीं वाला बिना एलाइड का, क्योंकि एलाइड मेजर रोल प्ले करता है, आपको भी पता है कि कितना क्वेश्चन आता है अभी एलाइड से। अब मेन एलाइड का सबसे बड़ा बड़ा सबसे रोल प्ले करता है वो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी तो जितना टाइम है कम से कम एनिमल हस्बेंड्री, तो अभी कोई अभी भी पढ़ना स्टार्ट करे तो 4-5 बार आराम से रिवाइज कर सकता है पढ़ के। हाँ उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये नहीं जे छोड़ दिया, मतलब टारगेट वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसको खुद का लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो मेरे को ये 4 दिन में करना है, मेरे को ये 5 दिन में करना है, फर्स्ट रिविजन अगर 7 दिन लगे तो 6 दिन लगे तो सेकंड रिविजन 4 दिन होना चाहिए, थर्ड रिविजन 3 दिन या 2 दिन में होना चाहिए, फोर्थ रिविजन सिंगल डे में होना चाहिए, ऐसे करके अगर वो कोई अपना एक शेड्यूल बना ले तो उसके लिए सही होता है। और एलाइड में और छोटे छोटे सब्जेक्ट भी होता है, जैसे क्रॉप फिजियोलॉजी होता है, क्रॉप फिजियोलॉजी के साथ सेरिकल्चर एपिकल्चर, इसको भी मैं एलाइड में कंसिडर कर रहा हूँ, छोटे छोटे सब्जेक्ट है ये सब, इन सबको भी कम से कम 2-3 बार रिविजन करना चाहिए, ये देखने में इजी लगते हैं लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। एपिकल्चर सेरिकल्चर को हल्के में ले लेते हैं लेकिन सिली मिस्टेक्स होंगे जब तब दिक्कत आता है। एपिकल्चर सेरिकल्चर डिजीज पार्ट तो अच्छे से पढ़ना ही होगा, डिजीज से क्वेश्चन बहुत मस्त आते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, जो किया भी जाता है, डुएबल होता है अगर किसी ने 2-3 बार पढ़ा होगा। लेकिन जो मेन दिक्कत करता है मैं जितना पता है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, ये चारों में से
आता तो कम है क्वेश्चन, लेकिन क्या पता है एफओ का तो मैं कुछ भरोसा होता नहीं कब कहाँ से। इस बार ऐसा हुआ एक्सटेंशन से 4 क्वेश्चन फेंक दिया, क्या करेंगे, कोई तो बोलने वाला अथॉरिटी तो कोई है नहीं, सिलेबस कोई फिक्स है नहीं एफओ का, वो मेरे को भी पता है ठीक से, वो नीलेश भाई को भी पता है, हम लोग दोनों रिपीटर से 2-3 3-4 साल से हम लोग दे रहे हैं एफओ, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए सब सब्जेक्ट में थोड़ा कम ज्यादा कमांड बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई अगर अभी से भी ठीक ठाक पढ़ लिया तो उसका आराम से 3-4 रिवीजन आराम से एलाइट का हो जाएगा, जो मोर देन एनफ है अभी से अगर कोई सीरियस स्टार्ट किया। नीलेश आएगा, नीलेश भाई आपको बताएंगे। हाँ तो विमल भाई, जैसे कि मैं अपने जो मतलब मैं इतने दिनों के अपने प्रिपरेशन में जो ऑब्जर्व किया कि देखो एएफओ जो है, जो मैं प्रीवियस ईयर का पिक पेपर देखता था और जो मैं खुद पेपर दिया हूँ 4 बार मैं दिया हूँ, तो फिर मुझे पता है कि एएफओ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, बस उसका एरिया बहुत वाइड होता है, मतलब बहुत कहीं से 2 क्वेश्चन उठा लिए कहीं से 2 क्वेश्चन उठा लिए, लेकिन वो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा जनरल ही रहता है हमेशा, और उसी जनरल क्वेश्चन को ही बच्चे गलत करते हैं। और जैसे अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी आ गया तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको भी करना है, क्योंकि आप 60 out of 60 करने की जरूरत नहीं है। आप बस आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमें पिक करना है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि जिसको मैं इजी क्वेश्चन है और उसको मैं छोड़ दिया तो वहां पे लोगों से मैं पीछे हो जाऊंगा। तो बस यही है कि और जो जो सिलेक्शन मतलब जिनका रिजेक्शन होता है उनमें कमी यही होती है कि वो जनरल क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही को गलत करके आते हैं, और वही उसी वजह से उनके जो है सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो आपको जो वो जनरल बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे जो सारी बुकों में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं वो किसी स्पेसिफिक बुक में ही मिलेगा आपको, और जो किसी स्पेसिफिक बुक में मिलेगा आप उसको छोड़ सकते हो, नो डाउट आप छोड़ के चले आओगे, आपका स्कोर उससे नहीं फर्क पड़ेगा उसकी वजह से बहुत ज्यादा। और एक चीज और भी है, एग्जाम में आप एक्यूरेट करके नहीं आ पाओगे, आपको थोड़ा सा रिस्क लेके चलना पड़ेगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन के तुक्के लगाने पड़ेंगे आपको अपने मतलब अपने हिसाब से सोच के उसमें जो है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि कम अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको 2-4 पे रिस्क लेना है और वो आपका रिस्क हमेशा प्रॉफिटेबल ही जाएगा स्कोर बढ़ाने के लिए मेंस का। ग्रेट। अभी और रही बात स्कीम्स की, अच्छा हाँ स्कीम्स के बारे में बताऊं, जैसे बच्चे बहुत स्कीम्स पढ़ लेते हैं, बहुत माइनर स्कीम्स हैं वो भी पढ़ लिए, हमेशा एएफओ जो स्कीम्स पूछता है बहुत जनरल स्कीम्स जो पूछा है कि जो बहुत पॉपुलर स्कीम है, और कुछ स्कीम के बारे में बहुत जनरल चीज, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि में कितना इंस्टॉलमेंट है ऐसा पूछ लिया, तो ये बहुत आप पीएम किसान के बारे में अगर 2 लाइन भी पढ़ोगे तो उसमें 1 लाइन में यही लिखा होता है क्या इंस्टॉलमेंट है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम पूछ रहा है रबी सीजन का और खरीफ सीजन का, तो वो अगर 2 लाइन भी पढ़ोगे तो 1 लाइन में यही लिखा है, तो मतलब कि अगर स्कीम से वो क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है कि आपको उस स्कीम के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2-3 पेज का पूरा पढ़ लो फिर वहां से क्वेश्चन आएंगे। और बच्चे अभी देखो नाबार्ड नाम बहुत पढ़ते हैं, जो कि हमें लगता है केवल 2018 में नाबार्ड नाम आया था, उसके बाद से नाबार्ड नाम के क्वेश्चन बहुत रेयरली आए हैं, 1-2 आए हैं, और वो भी आप अगर किसी बुक से पढ़ के गए हो तो उसका आंसर जो है कभी एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन आया था फ्लोर स्पेस पूछा था, और उस फ्लोर स्पेस का आंसर आज तक कन्फर्म नहीं है कि क्या उसका सही आंसर रहा होगा। अच्छा, क्योंकि हर एक मैंने ऑथेंटिक बुक्स में देखा, किसी बुक में 2 ऑथेंटिक बुक मिला अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो आप ऐसे कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन आप अगर कंट्रोवर्सियल है उसको छोड़ दो, और आईबीपीएस हमेशा 2-4 कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन डाल देता है हमेशा, जिसमें बच्चे फंसे रहे आर्ग्यूमेंट करते रहे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है ये क्वेश्चन का ये आंसर। सही सही, तो ये हर बार होता है। ओके हाँ, वो आपने सही बताया, जो स्कीम्स के चक्कर में ना पड़े जल्दी, आपका प्री हो जाए अच्छे से, मेंस हो जाए, सॉरी मेंस के टाइम पे जब बचता है तो हमारे फ्री के नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह के 1 पेजर नोट्स भी मिल जाते हैं, इजीली आप फ्री के मॉक टेस्ट वगैरह करके कर सकते हो उसको कवर। अभी मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो टाइम मैनेजमेंट है पढ़ाई के दौरान भी और एग्ज़ाम के दौरान भी, वो कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात करेंगे।